आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर का सब्जी और पूड़ी। मैंने सब्जियाँ जो पड़ेगा पनीर में वो मैंने काट के सब रख लिया है। जो जो पीसना रहेगा उसको मैं पीस लूँगी। ये टमाटर अभी कटा हुआ है, उसको पीसना है। ये प्याज मैंने पीस लिया है एक, और ये धनिया है, और ये थोड़ा सा काजू, और इसमें गरम मसाला है। और ये दो प्याज काट के रखी हूँ और एक प्याज पीस ली हूँ। और ये मेरा मटर है, और ये 2 कप दूध है। दूध इसमें डालेंगे अच्छा होता है, सब्जी अच्छा बनता है दूध डालने से। कढ़ाई मेरा गरम हो गया है, तेल डालूँगी। ये जीरा है, गरम मसाला मैंने पीसा हुआ है, और ये जीरा थोड़ा सा डालेंगे तड़का के लिए। तेज पत्ता, ये लहसुन मिर्चा और अदरक पीस लिया है, उसको भी भूजेंगे थोड़ा सा ही भूजेंगे। प्याज डालूंगी उसके साथ, भूजा जाएगा। अब प्याज को भूज लेंगे अच्छे से, फ्लेम कम रखेंगे, प्याज जले नहीं। अच्छे से इसको चलाते रहेंगे। प्याज मेरा अच्छे से भुजा गया है, अब पीसा हुआ प्याज को भी मैं भूजूंगी। अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। प्याज मेरा भुजा गया है, अब इसमें काजू मैंने पीसा था उसको ऐड करूंगी। ये धनिया पाउडर है, ये हल्दी है, ये मटर है, अच्छे से चला लेंगे। ये नमक डाल रही हूँ मटर को गलने के लिए। अब इसमें टमाटर पीसी थी मैंने, उसको ऐड करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पनीर को भी ऐड करेंगे। अच्छे से मिलाते रहेंगे। ये मैंने मार्केट से मसाला लिया हुआ है, पनीर मसाला है। धनिया पाउडर मैंने घर का डाला था 1 चम्मच, मुझे पैकेट का मसाला डालना था। पनीर मसाला, पनीर बनाए तब अच्छा लगता है पनीर मसाला डालने में। ये पानी है 1.5 कप, पानी ज़्यादा नहीं डालूंगी, दूध मेरे को डालना है। ये दूध है मेरा 2 कप। हम मिक्स कर लेंगे, धीमी फ्लेम पे पकाएंगे कि पानी थोड़ा और जल जाए, और अच्छे से पकेगा तो ग्रेवी भी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। कसूरी मेथी है, अच्छा फ्लेवर आता है इससे, चमक आती है सब्जी में थोड़ा, और टेस्ट भी अच्छा होता है कसूरी मेथी डालने से। इसको ऊपर से डालते हैं लास्ट में, जब इसको जब बॉईल करना जैसे सब्जी हो जाएगा ऊपर से। ये आटा मैंने रख लिया है, इसको पूरी की तैयारी अब करूँगी। नमक डाल रही हूँ और अजवाइन डाला है मैंने। ये टमाटर,
टमाटर मैंने पीस के इसमें डालूंगी। टमाटर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसमें कसूरी मेथी डालूंगी। कसूरी मेथी पूरी में भी सादा, अगर टमाटर नहीं डालना है कसूरी मेथी भी डाल के बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। मैंने तेल लगा लगा के आटा साना है, पहले मैं नहीं अटकर पाई हूँ तो लास्ट में मैंने डाला था। मेरा पनीर का सब्जी रेडी हो गया है। इसमें धनिया डालूंगी, अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। मेरा पानी ज़्यादा था और जल गया है, अब कम ग्रेवी गाढ़ा हो गया है। शुरू में पानी ज़्यादा दिख रहा था, अब अच्छा हो गया है। ये मैंने अब पूरी की तैयारी करूँगी। कढ़ाई रख दिया है, गरम हो गया मेरा कढ़ाई। अब पूरी को बेल लेते हैं और एक एक करके डालूँगी मैं। मेरा पूरी मुड़ गया है, कढ़ाई में चिपक जाता है। धीरे धीरे छानेंगे इसको, एक एक करके डालते रहेंगे। मेरा पूरी एक भी नहीं जला है, अच्छे से सिका गया है, तैयार हो गया है मेरा पूरी। और इधर पनीर भी, इसको निकाल लेते हैं बाउल में। ग्रेवी कितना अच्छा बना है देख लीजिए पनीर का। ऊपर से धनिया रख देंगे। इधर मेरा पूरी क्रंची हुआ है मेरा पूरी। इसमें थोड़ा सा तेल डाल के कर देंगे, डाल के सान देंगे तो पूरी क्रंची होगा। और टमाटर का फ्लेवर अच्छा आता है, टमाटर डाल के बनाइए आप लोग। ये मेरा रेडी है। मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।